बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 एंटी थी। आज हम एक्सरसाइज 3.2 से पहले जो कुछ टॉपिक्स हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड उसको डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स के बारे में आप लोग जान चुके हैं, प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने डेसिमल्स के बारे में पढ़ा है। डेसिमल क्या होते हैं, डेसिमल का मतलब क्या है और डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किस तरह किया। आज हमने डेसिमल की टाइप्स के बारे में पढ़ना है। डेसिमल की कितनी टाइप्स, डेसिमल की हमारे पास टू टाइप्स हैं। डेसिमल कितने टाइप्स में मिलते हैं, डेसिमल दो टाइप में मिलते हैं। वो दोनों दो टाइप्स कौन सी हैं, एक आपके पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल, सेकेंड है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो देखें डेसिमल्स की कितनी टाइप होगी आपके पास, दो, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का जो वर्ड है ना, ठीक है, ये आपके पास टर्मिनेट से निकला है और इसका मतलब होता है खत्म। नाम से किसी भी टॉपिक के बारे में हम जान सकते हैं कि उसका जो नाम होता है वो बता रहा होता है कि ये किस रिलेटेड है। देखें टर्मिनेटिंग है ना, नाम से जाहिर हो चुके हैं खत्म हो, यानी वो डेसिमल जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट फाइनाइट हो। इसको दूसरे भी क्या कह सकते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट फाइनाइट होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ना खत्म होने वाले, ठीक है, ना खत्म होने वाले कौन सा होता है, जिसमें आपके पास क्या होंगी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तब टर्मिनेटिंग क्या है, इसके बारे में जरा डिटेल में पढ़ते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं क्या। डेसिमल इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। एक ऐसा डेसिमल या ऐसा नंबर जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए डेसिमल पॉइंट के बाद। एक ऐसी वैल्यू जिसमें आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट होंगे डेसिमल पॉइंट के बाद। फाइनाइट का मतलब है दो हो, तीन हो, चार, इन चार्ज किए वो पूरा पूरा पॉइंट के बाद जाके एंड रिजल्ट एंड आंसर उसका आ रहा। इसकी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल आपके पास यहाँ पे है 1/4, एग्जांपल आपके पास है 1/4 और ये आपके पास आ जाता है 0.25। अब देखें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, दो हैं, फाइनाइट है ना, क्यों दो डिजिट्स, तीन हो तब भी फाइनाइट है, चार हो तब भी फाइनाइट है। कि डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट आपके पास फाइनाइट होंगे तो वो आपके पास कौन सा हो जाएगा,
वो आपके पास टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल आपके पास है, 7/8। अब 7/8 आपके पास है 0.875। अब इसमें आप लोग देखें कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3, तीन डिजिट है ना, पॉइंट के बाद तीन डिजिट है, फाइनाइट है, तो ये आपके पास कौन सी होगी, टर्मिनेटिंग। अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप है वो कौन सी है, नॉन infinite or unlimited number of elements after decimal point, एक ऐसा decimal जिसमें इनफाइनाइट या अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, एक ये जो इशारिया होता है या जो डेसिमल पॉइंट होता है इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास क्या होने चाहिए, इनफिनिट होने चाहिए। ठीक है, इसकी एग्जांपल आपके पास है 4/9, ये आपके पास 0.444 इसी हिसाब से चलती जाएगी। तो अभी तक देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने बात की है टाइप्स के बारे में, कितनी टाइप्स होती हैं, दो टाइप है, एक टर्मिनेटिंग है दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग वो होती है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट आपके पास काउंटेबल या फाइनाइट, और अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स वाली टाइप को क्या कहते हैं, हम नॉन टर्मिनेटिंग है। अब आगे जो नेक्स्ट है आपका टॉपिक, ये जानना कि कोई भी डेसिमल किस तरह से फाइनाइट या इनफाइनाइट होगा। टू फाइंड better given decimal is terminating or डिवीजन करें, उसको सॉल्व करें। अगर हमारे पास एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, जिस तरह से हमारे पास प्रीवियस केस में 0.444 एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, वो हमें पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, या हमारे पास नंबर कोई पेयर आ रहा हो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। ठीक है, या अगर हमारे पास पॉइंट के बाद हम उसे सॉल्व कर रहे हैं, 5-6 डिजिट तक ले गए पॉइंट के बाद फिर भी उसका आंसर नहीं आ रहा, तो वो आपके पास कौन सी टाइप आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर आप डायरेक्ट बताना चाहें कि क्या ये जो वैल्यू आपको दी गई है, जो फ्रैक्शन है आपके पास है, वो आपके पास टर्मिनेटिंग में आ रही है या नॉन टर्मिनेटिंग में आ रही है, अब वहां आपने
पहली है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसको हम बात करते हैं। ये डायरेक्ट मेथड है, इसमें हमने रिविजन नहीं करनी। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। In standard form has prime factor other than 2 and 5 are product of एक डेफिनेशन एक स्टेटमेंट आपके पास में लिखी है कि डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल फ्रैक्शन इन स्टैंडर्ड फॉर्म हैज नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 एंड 5 आर प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 5 देन इट इज टर्मिनेटिंग। अब देखिए यहां पर आपको क्या कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन दिया है, कोई भी नंबर आपको फ्रैक्शन में दिया गया है, एग्जांपल आपके पास में दे रहा हूं, फाइव ओवर एट, तो अब हमें डिनोमिनेटर को देखते हैं। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का कांसेप्ट पता है, न्यूमिनेटर कहते हैं ऊपर वाली वैल्यू को, डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन के नीचे वैल्यू होती है, ऊपर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर होती है और नीचे वाली डिनोमिनेटर होती है। तो बात हम करें कि किसी भी फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि अगर ऊपर कोई एक टेबल जा रहा हो तो वो सिंप्लीफाई होने के बाद, अब जिस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म को बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्या है, देखिए अगर 25 ओवर 10 है ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों, क्योंकि एक टेबल से मजीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं, अब 5 ओवर 2 अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्यों, अब ये मजीद डिवाइड नहीं हो सकते, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन आपके पास वो होगी जिसमें जो नंबर है वो फर्दर डिवाइडेबल नहीं होंगे, किसी एक ऐसे नंबर से उनको डिवाइड नहीं कर सकेंगे जो ऊपर नीचे दोनों वैल्यूज पे जिसका टेबल या। अब देखिए आते हैं बैक टू द टॉपिक, क्या है डिनोमिनेटर रैशनल नंबर का, वो भी किसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में, और जो डिनोमिनेटर वो या सारे 2 के मल्टीपल हो, सारे 5 के मल्टीपल हो, या 2 और 5 के मल्टीपल हो, तो वो आपके पास होगा टर्मिनेटिंग, 2 5 या प्रोडक्ट ऑफ 2 और 5 के अलावा जितने भी नंबर आएंगे वो आपके पास आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर क्या है, 8 है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये मल्टीपल है, यानी 8 को डिवाइड करें 2 4 2 2 1 एलसीएम मेथड से डिवीजन, अब देखिए ये सारी वैल्यू जो उसके फैक्टर है 2 2 2 फैक्टर सारे क्या आए इसके 2 2 2 सारे 2 आ गए हैं, तभी हमने क्या बात की है
5 और प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 5 या सारे फैक्टर 2 या उसके मल्टीपल हो, सारे फैक्टर 5 या उसके मल्टीपल हो या प्रोडक्ट हो किसका 2 और 5। अब देखें 8 आपके पास सारी वैल्यू देखें 2, हमने दो वैल्यू चेक करनी है, या आपके पास हो 2 हो या आपके पास हो क्या हो 5। अब यहां देखें 8 के फैक्टर बनाए तो क्या आ गए, 8 आपके पास किसकी इक्वल है, 2 की पावर 3 की इक्वल है ना। देखिए सिर्फ 2 आ रहा है या नहीं आ रहा, सारे फैक्टर सिर्फ 2 में है तो ये आपके पास कौन सी एग्जांपल होगी, टर्मिनेट है। इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं इसकी, ये वो डायरेक्ट मेथड है जिसमें आप लोग बगैर डिवाइड किए बताएंगे, यहाँ सिर्फ बताना होगा कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपने सिर्फ बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, उसका सोल्यूशन नहीं करना। तो हमें डायरेक्ट इस मेथड से पता चल सकता है कि 2 एंड 5 या उसके मल्टीपल जब भी डिनोमिनेटर के फैक्टर होंगे तो वो टर्मिनेटिंग है, इसके अलावा कोई फैक्टर भी आता जाएगा तो वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए एक एग्जाम्पल में और ले रहा हूँ, 7 ओवर 10, डिनोमिनेटर 10 है, 10 के फैक्टर बनाए 2, 5, 5, 1, 10 के फैक्टर क्या आ गए 2 और 5 आए हैं, लेकिन 2 सिर्फ 2 सिर्फ 5 या प्रोडक्ट हो 2 और 5 का तो वो आपके पास टर्मिनेटिंग है। ये देखें 2 और 5 का प्रोडक्ट आ गया आपके पास, प्रोडक्ट है तो ये भी आपके पास क्या है, सही है। नेक्स्ट देखें 19 और 25, डिनोमिनेटर 25, अब देखें यहां पर 25 आपके पास किसकी इक्वल आ गया 5 और 5 के, देखें सिर्फ 5 आ रहा है ना, 5 के मल्टीपल है, सिर्फ 2 हो सिर्फ 5 हो या 2 और 5 का प्रोडक्ट हो तो क्या होता है, टर्मिनेटिंग। यहां पर देखें डिनोमिनेटर के फैक्टर में सिर्फ 5 आ रहा है तो ये भी आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसकी, इलेवन ओवर 15, डिनोमिनेटर क्या है आपके पास 15 है, 15 के फैक्टर बने 3, 5 और 15, 5 और 5, अब देखिए 15 के फैक्टर क्या आ गए 5 और 3। अब जरा इधर देखें इस स्टेटमेंट पर आते हैं, यहां क्या कह रहा है, नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 एंड 5 आर प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 5, प्राइम फैक्टर में या सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 और 5 का क्या हो आपके पास, प्रोडक्ट हो। अब यहां आप लोग देखें, यहां आपके पास 2, 5 या 2 और 5 के प्रोडक्ट का जिक्र किया गया, यहां आपके पास 5 तो आ गया, आगे 2 आया हुआ है नहीं, 3 आ गया, क्या हमने कहीं 3 का जिक्र किया, हमने सिर्फ दो नंबर देखे, या 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अब यहां पर देखें ये 3 आ गया, 2 और 5 हो सकते हैं, इसके अलावा कोई नंबर नहीं हो सकता। अब यहाँ 3 या 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 तो उधर शामिल नहीं है तो ये आपके पास कौन सी होगी, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लें, 12 ओवर 21, अब देखिए 12 ओवर 21 है आपके, अब दोनों के एक टेबल जाता है, पहले तो ये चेक करने की क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, ये कितनी वैल्यूज आपके पास थी ये वाली, ठीक है, ये प्राइम फैक्टर था ये स्टैंडर्ड में, ये प्राइम फैक्टर था ये स्टैंडर्ड में, यानी वृद्धि डिवाइड एक टेबल से नहीं हो रही, यहां भी कोई टेबल नहीं जा रहा था, यहां जरा देखते हैं ये स्टैंडर्ड में नहीं है, क्यों, 3 4 12 3 7 21, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, 12 ओवर 21 4 ओवर 7,
हमेशा याद रखें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करना है, तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं फिर उसके फैक्टर बनाएं, डायरेक्ट हम उसके फैक्टर नहीं बनाएंगे, पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ देखिए सेवन है, तो सेवन के फैक्टर आपके पास क्या है, सेवन और वन ही है, हमें क्या चाहिए डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 या 2 5 का प्रोडक्ट हो, मल्टीप्लाई हो ये नंबर 2 और 5 का, हमारे पास क्या आ गया 7 आ गया, 7 इसमें शामिल है नहीं शामिल तो ये आपके पास कौन सा होगा, ये भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और एक छोटा सा टॉपिक है राउंडिंग आपका उसे डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।